हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम ब्यूटी एंड क्राफ्ट टिप्स। फ्रेंड्स, अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कर दें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, हमारे घर की प्रॉब्लम होती है कि हमारे घर की साफ़ सफाई करने में हमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है और हम जल्दी से उसे आसानी से साफ़ कर भी नहीं पाते हैं। जैसे कि हमारे घर के फैंस, तो हम अपने घर के फैंस को ज़्यादा ज़्यादा दिन तक साफ़ नहीं कर पाते हैं, सीलिंग फैंस को, क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पर होते हैं। हमें स्टूल का या टेबल का यूज़ करना पड़ता है, बट अब ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है फ्रेंड्स। हम बहुत ही आसानी से उसे साफ़ कर सकते हैं और अब उसकी पंखे की पत्तियों को भी हमें खोलने की या धुलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, हम कुछ आज ऐसा बनाने वाले हैं जिससे कि हमारे फ़ैन, सीलिंग फ़ैन अच्छे से साफ़ हो जाए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें चाहिए पुराना दुपट्टा और फोम और एक हैंगर। तो सबसे पहले हमें फोम को इस तरीके से हैंगर में लपेटना है, आप वीडियो में देख सकते हो। इस तरीके से हमें हैंगर में लपेट देना है फोम को और फिर हमको उसके ऊपर से दुपट्टे को इस तरीके से लपेटना है। फ्रेंड्स, आप कोई भी पुराना दुपट्टा यूज़ कर सकते हैं या फिर आप कोई भी बेडशीट पुरानी या टॉवल का भी यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं इस तरीके से। फ्रेंड्स, मैं फॉर्म इसलिए लगा रही हूँ ताकि जब मैं इसको धुलूँ तो ये पानी सारा सोख ले और इससे हम अपने फ्लोर की भी अच्छे से सफाई कर सकते हैं और अपने रूम के मैट की भी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे दुपट्टे को आसानी से लपेट लिया है, इस तरीके से आप भी लपेट दें। ये देखिए, मैंने सारे पोर्शन में यहाँ पे इसको लपेट दिया दुपट्टे को अच्छे से। हर साइड से अच्छे से इसको कवर कर दें। ये देखिए, अब हमें इसे थोड़ा सा यहाँ पे साइड से इसको सिल देना है ताकि ये खुले नहीं और ये बिल्कुल फिट हो जाए। इस तरीके से हमें अच्छे से फिट कर देना है। ये देखिए, ये बन गया है, इस तरीके से हो गया है। फ्रेंड्स, हमने यहाँ के ऊपर का पोर्शन को अच्छे से सीधा कर लिया है ताकि ये हमारा डंडा, या आप चाहे तो यहाँ पे पाइप का भी या पुराने डंडे का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने डोरी लिया हुआ है ताकि हम इसे अच्छे से बांधें। ये देखिए, हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छे से टाइटली इसको बांध लेना है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे पूरा इसको टाइट से लपेट के बांध दिया है ताकि ये बिल्कुल खुले नहीं। ये देखिए, ये हमारा वाइपर तैयार हो चुका है बनके। इससे हम अपने सीलिंग फ़ैन को बहुत ही आसानी से साफ़ कर सकते हैं जिससे कि आपको बिल्कुल प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा बनके अब तैयार हो चुका है। अब हम इसको पहले थोड़ा सा भिगा लेंगे। ये देखिए, दोनों साइड से ये बिल्कुल टाइटली बंध गया है। इसको मैं इस तरीके से थोड़ा सा भिगा लूँगी क्योंकि मुझे अभी मैट की सफ़ाई करनी है। तो इस तरीके से बस थोड़ा सा हमें पानी लगाना है और फिर आप देख सकते हैं ये किस तरीके से साफ़ हो जाएगा। फोम हमारे सारे पानी को सोखता रहेगा। इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं इसका। तो फ्रेंड्स, चलिए हम मैट की भी सफाई कर लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए, कितनी आसानी से ये आपके चेयर के नीचे या मे बेड के नीचे
आसानी से आपके मैट पे सफाई कर सकता है और इसमें सारे डस्ट देख सकते हैं आप कि आ गए हैं और हमारा मैट बिल्कुल साफ़ हो गया है। फ्रेंड्स अब हमें फ़ैन की सफाई करना है, तो आप देख सकते हैं इसके नीचे का पोर्शन तो हम बहुत ही आसानी से साफ़ कर लेते हैं, लेकिन ऊपर का पोर्शन जो हमारा होता है वो हम जल्दी साफ़ नहीं कर पाते हैं। तो ये अब आसानी से ऊपर के पोर्शन को भी हम साफ़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम हर साइड से इसको अच्छे से साफ़ कर सकते हैं और सारे डस्ट इसमें आ जाएंगे। हमें स्टूल की या टेबल की भी अब कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, अब बहुत ही आसानी से इसको साफ़ कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हम हर साइड से इसको अच्छे से साफ़ कर ले। फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो 1 लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से हम फ़ैन की अच्छे से सफाई कर सकते हैं। ये देखिए सारे डस्ट इसमें आ चुके हैं। ये देखिए इस तरीके से अब हम इसे बाल्टी में डालकर इसको साफ़ कर सकते हैं और फिर सूखने के लिए रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे वीडियो को लाइक करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। तब तक के लिए बाय, मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।